हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार, जैसे कि आपको बताया कि हम 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं आउट ऑफ 200 एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ओके, इसमें जो नेक्स्ट 100 प्रॉब्लम्स हैं उनमें से 50 प्रॉब्लम्स जो बचे हुए हैं अभी हमारे पास, उनके हम डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से। और प्लस टू फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लस टू फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जो जितने भी टाइप के यू नो इंपॉर्टेंट टाइप के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सब यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। आप मस्त तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखेंगे, पहले खुद सॉल्व कर लेना, देख लेना, जो सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा उसकी वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि टाइम का भी समय आपने ख्याल रखना है। ओके, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हार्डली 1 आवर आप निकालेंगे केवल इन अ डे अपना मोबाइल चेक करने के लिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, इस समय ज्यादा मोबाइल आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। बट चूंकि आपने क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल लेना है, जिससे कि उसका फायदा, उसका बेनिफिट हमें फाइनल एग्जाम में मिल सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 101 की हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो क्लियर देख लो आप, क्वेश्चन में बोला गया कि देयर इज ए सर्किट एलिमेंट, मतलब एक कंप्लीट सर्किट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्किट। ओके, इट्स गिवन हियर, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी 0, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड डी आर। ओके, तो क्या है सर सर्किट, देख लेते हैं। सर्किट है बॉस आपके पास बेसिक सा, एक छोटा सा प्यारा सा बूस्टर सर्किट आपके पास दे रखा है। पॉइंट डी है यहाँ पे, पॉइंट सी है यहाँ पे, पॉइंट बी यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पे है, और इधर से करंट आ रही है 1 एम्पियर की। कूल, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 1.5 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है दोस्तों आपके पास 2.5 ओम, क्लियर है। और इसका वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट। ओके मैन, ओके, तो क्या करना है सर, बता दिया मैंने, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट डी। कैसे करना है सर, आराम से कर सकते हो। बी पे पोटेंशियल गिवन है, बी पे पोटेंशियल गिवन है 0 वोल्ट, ठीक है, इस पे पोटेंशियल 0 है। तो आप खुद देखो यार, यहां से ना 1 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी, और इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, वी ए है, ठीक है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होएगा वो कितना होएगा, आप खुद देखो ना, करंट इधर से जा रही है हाई माइनस लो, यानी वी ए माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, आई आर होता है, आई इंटू आर, ठीक है। तो वी ए आ गया डायरेक्टली, आई कितना है सर इसमें 1 एम्पियर, इनटू रेजिस्टेंस कितना है सर 1.5, तो दिस इज 1.5 वोल्ट। तो ये तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया, क्योंकि बी पे ऑलरेडी हमें पता था, और ये रेजिस्टेंस 2 टर्मिनल पे कनेक्ट है, इधर बी पे इधर ए पे, तो निकाल लिया इसमें करंट जा रही है 1 एम्पियर की। अब हमें कैलकुलेट करना है डी पॉइंट का पोटेंशियल, तो बी से स्टार्ट करो जहां पे पता है, यहां से स्टार्ट करो और करंट के डायरेक्शन में चलने की कोशिश करो, केवीएल यूज कर लो, उड़ा डालो। कैसे सर, देखो भाई, बी पे पोटेंशियल लेट्स सी वीवी है, जैसे आप आगे बढ़ोगे करंट भी 1 एम्पियर इधर जा रही है, आप भी आगे जा रहे हो कैलकुलेशन करते हुए सेम डायरेक्शन, तो जब रेजिस्टेंस मिलता है तो माइनस होगा पोटेंशियल, क्योंकि जब हम करंट की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं तो ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो कितनी है सर 2.5 × 1, आई आर होता है ना, तो 1 × 2.5, फिर आप आगे बढ़े, आपको बैटरी मिली माइनस से प्लस, जब आप माइनस से प्लस पे जाते हो ना तो प्लस लेते हैं इसका साइन, तो प्लस ले लो सर। फिर आप आगे बढ़े डी पे, डी पे जाते हैं, रुक जाओ और इक्वल टू डी कर दो, पोटेंशियल ऑफ डी कर दो, क्योंकि उससे आगे सर्किट ही नहीं है ना, तो वी बी तो 0 है सर, ये बचा माइनस 2.5 प्लस 2, यानी 0.5 बचेगा, इक्वल टू वी डी, और वी डी आ गया दोस्तों माइनस 0.5 वोल्ट, फटाक से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपने मेथड यूज कर लिया और केवीएल भी यूज कर लिया, ठीक है, समझ गए होंगे आप, क्लियर है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं आपके सामने और उड़ा डालो, ठीक है। अब चलते हैं 102 पे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड ऑसम प्रॉब्लम फॉर बोथ एग्जाम। सो व्हाट इज दैट सर, चेक करें, चेक करें, कम ऑन गाइस। उसने बोला व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, एक ना सेल की बात कर रहा है, और सेल को जब भी बताते हैं ना तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर लिखना है, ठीक है, ये इसका ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया गया, दैट इज 2 ओम, कम ऑन गाइस, दैट इज 2 ओम। और वो बोल रहा है सेल इसको करंट सप्लाई कर रहा है, लेट्स सी I1, और वो है 0.5 एम्पियर, ठीक है। फिर वो पता क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5 ओम द करंट इज दिस, देन व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ई निकालना है। तो कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 ये है कि इसका ईएमएफ नहीं पता, रेजिस्टेंस भी नहीं पता, लेकिन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो चेंज कर दिया है 5 ओम, और इसमें अब जो करंट जा रही है ना, जो अब जा रही है I2 मान लो उसको 0.25 एम्पियर जा रही है, ठीक है। तो बताओ इस कंडीशन में सेल का ईएमएफ कितना है, तो यार सेल का ईएमएफ निकालने के लिए इसका जो अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो ईजी तरीका क्या है सर, यहां से नेट करंट निकाल दो, नेट करंट कैसे आएगी सर, नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस, ये करंट इसमें और इसमें प्लस, दोनों में सेम जाएगी, दोनों सीरीज में है, तो 2+R लिख सकते हो इक्वेशन 1, ठीक है। और I1 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे भी निकाल लो I2 को लिखोगे नेट EMF ओवर इसका ये रेजिस्टेंस और ये पैरेलल सीरीज में है, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2।
Now you can see we have to calculate internal resistance. After calculating internal resistance, you just put the value of internal resistance in any one equation. कैसे सर? इसको इससे डिवाइड करो तो आप लिखोगे I1 over I2. जब आप डिवाइड करोगे तो देखो E से E कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी 5 प्लस आर ऊपर जाएगा, 2 प्लस आर यहाँ पे रहेगा. और ये वैल्यू आपको गिविन है. क्या गिविन है सर? 0.5 0.25 5 प्लस आर ओवर 2 प्लस आर है कि नहीं है? इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 0.2 है, एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/25. आप चेक करें तो 5 प्लस आर ओवर 2 प्लस आर और 25 से 2 कैंसिल, तो ये 2/1, मान लो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इधर, तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस आर इजक्वल टू 5 प्लस आर. उड़ा डालो 4 प्लस 2 आर इजक्वल टू 5 प्लस आर. क्या बात कर रहे हो सर? यहाँ पे 2R में से 1R गया तो R बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 ओम बचेगा. यानी इस केस में जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है. ठीक है, अब 1 ओम की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पटक दो, I1 में पटक दो, E आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे पटक दी मैंने देखो, और I1 है 0.5, तो इन टू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 करो, E आ गया, तो E आ गया ना 1.5 वोल्ट. ले भाई, हो गया यार. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट है कि नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो. देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके गाइस, सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम 103. इसमें बोला है बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द नेटवर्क. ठीक है, इन ऑर्डर टू दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर टू द नेटवर्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर यूज्ड इन द सर्किट. तो बोल रहा है कि ये बैटरी अगर इस पूरे सर्किट को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे तो उस कंडीशन में जो आर लिखे है ना रेजिस्टेंस, वो कितना रेजिस्टेंस होगा हमें नहीं पता, वो निकालना है. और इस सेल का, इस बैटरी का ईएमएफ है ये, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है. पहली बात तो एक चीज याद रखो, जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे या मैक्सिमम करंट ट्रांसफर करे, मैंने आपको इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कराए उसमें भी बताया था, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. दिस इज द कंडीशन. तो बेसिकली ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया है? इस सर्किट का क्या निकाल लो सर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लो टोटल, है ना? तो इस पॉइंट पर पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने, वो यहाँ पुट अप कर देना है. आर की वैल्यू आपको 4 ओम दे ही रखी है, तो मतलब आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो 4 के इक्वल होगा और आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज द वे टू सॉल्व द दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब आप देखो, यहां से जो करंट यहाँ डिवाइड होगी वो इसमें इन दोनों में जाएगी, तो सीरीज में है. फिर यहाँ पे जाने के बाद इधर जाएगी, ये दोनों सीरीज में है. ठीक है, और आप देख सकते हो ये 2R है, ये 2R है. ठीक है, तो इस सर्किट को अगर आप थोड़ा सा हैंडल करोगे ना, 2R ठीक है ना आपके पास, क्लियर, ये भी 2R है सर, तो इसको हटा के मैं 2R लिख रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, दिस इज 2R और इसको हटा के भी 2R लिख रहा हूं. ठीक है, दिस इज 2R. ओके गाइस, सो इस तरीके से आपने लिख लिया. अब आप ध्यान से देखो, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, R बाय 2R 1/2, 2R बाय 4R 1/2, यानी तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो जो मिडिल रेजिस्टेंस है इसमें करंट जाएगी ही नहीं. अब आप देख सकते हो ये 3R है और ये 6R है. ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में है. 3R इंटू 6R ओवर दोनों का सम 9R, R से 1R कैंसिल, ये आ गया 2R, आ गया ना 2R, यानी टोटल रेजिस्टेंस इसके बीच आया 2R, तो 2R इज इक्वल टू 4, तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 ओम आएगा. यानी यहाँ पे जो R यूज हो रहा है दैट इज 2 ओम, जो R यूज हो रहा है दैट इज 2 ओम. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यू हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट एज वेल. ठीक है, अब बात करेंगे 104. वैसे तो ये केवीएल का क्वेश्चन है, आप खुद भी उड़ा सकते हो यार इसको, केवीएल इक्वेशन बनानी है आप कर लेंगे इसको. ठीक है, मैं बता देता हूँ. उसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 विल बी 0, 4 ओम में करंट 0 होगी. तो पहले सर्किट बता देता हूँ क्या है. ठीक है, सर्किट आपके सामने भी है, कुछ ऐसे है. ठीक है ना, कुछ ऐसे है सर्किट. तो बॉस ये है देखो, ठीक है, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये बैटरी है 4 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस R है और ये 4 ओम है और ये 2 ओम है. पता क्या बोल रहा है उसमें, अगर इसमें जाने वाली जो करंट है ना 4 में वो 0 है, तो बताओ R की वैल्यू कितनी होगी. यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पूछा है, ये अननोन है, हमें पता नहीं है. तो भाई ऐसे क्वेश्चन ना पता है केवीएल वगैरह से यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली. पता है क्या करना, ये हाई वोल्टेज बैटरी है इनमें, तो इसमें से करंट विदड्रॉ करना, लेट्स सी आई. तो जो करंट यहाँ से डिवाइड होगी, इसमें तो जा ही नहीं रही, तो सारी करंट इधर चली जाएगी, तो वो करंट इधर जाके ऐसे जाके फिर से इसमें वापस आए, क्योंकि इस पूरी ब्रांच में करंट 0 है. ठीक है, तो केवीएल बना लेना यार, सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो जो करंट इधर जा रही है इसमें ऐसे इसको रोटेट करा लेंगे, यहां से करंट इधर जाएगी इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर वापस आएगी, एक इक्वेशन बनेगी. और इसमें जो करंट जा रही है उसकी दूसरी इक्वेशन बना लेना. ठीक है, क्योंकि इस वाले में तो 0 ही है. दो इक्वेशन बनाना, ट्राई करना अपने आप सॉल्व करने का. केवीएल आप अप्लाई कर सकते हो, केवीएल आप अप्लाई कर सकते हो, मेरे को बताना आंसर कितना आ रहा है. ठीक है,
कर लेना बॉस, कर लेना। मैं मान के चल रहा हूँ केवीएल आप अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि केवीएल नहीं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करने वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105, क्या है सर वो क्वेश्चन नंबर 105 आपको दिख रहा होगा। तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट है और एक वायर इधर यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है सर। और इस पे यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है कुछ ऐसे, ठीक है। और इस पॉइंट को उसने नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया बी, ये है आर, ये है टू आर और ये है आर। पता है क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है इन द गिवन फिगर सोनी द फिगर व्हाट इज द करंट थ्रू टू आर, है कि नहीं। तो करंट जो होगी टू आर रेजिस्टेंस में वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई ध्यान से देखो, इसमें रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी, देखो करंट यहां से जाएगी और मैक्सिमम बच्चों को लगेगा कि यार सर करंट इधर से जा रही है, तो करंट इसमें ऑप्शन जो दिया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो करंट एट ऑल, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कुछ मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर करंट इधर से जा रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, देख सकते हो आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है करंट, ठीक है। तो वो बोल देंगे कि सर इसमें जो करंट जाएगी लेफ्ट टू राइट जाएगी, लेकिन ये जो वायर है ना ध्यान से देखो, ये वायर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये देखना पड़ेगा ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, हाई पोटेंशियल। और ये वाला जो इधर पॉइंट है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो यहाँ, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि एक कंडक्टिंग वायर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का होगा हाई पोटेंशियल। तो अब आप देखो 2R में जो पोटेंशियल है इधर ज्यादा है इधर कम है, तो करंट इधर से जाएगी, यानी राइट टू लेफ्ट, समझ गए होंगे आप, है ना। इन वायर की वजह से ये हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये लो पे आ गया, तो करंट इधर से जाएगी, है ना। गलती मत करना बॉस, है ना, राइट टू लेफ्ट, है ना, दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है, राइट टू लेफ्ट, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106, ओके यार 106 में क्या बोला है कि देयर इज ए मीटर ब्रिज व्हिच इज इन बैलेंस स्टेट, ठीक है। द मीटर ब्रिज वायर हैज ए रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 0.1 ओम, ठीक है, पर, है ना, पर सेंटीमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर के लिए इतना ओम रेजिस्टेंस है। ये हमारे काम आएगा, देखेंगे क्या पूछने के लिए काम आएगा। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है ना, ये भी पूछा गया है। तो ये बताओ अननोन रेजिस्टेंस और ये बैलेंस कंडीशन है ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन, तो नो वरी एट ऑल। देखो भाई मैंने क्या बोला था, अगर ये निकालना है, देखो गैलोमीटर इस पॉइंट पे कनेक्ट है और इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो गैलोनोमीटर जिन दो पॉइंट पे कनेक्ट है उन पे उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचो और उसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस उसी के नीचे लेंथ का रेशियो ले लो x बाई 40, फिर राइट में देखो रेजिस्टेंस उसकी लेंथ 6/60, ये हो गया 10, ये हो गया, यानी एक्स आ गया 4 ओम। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला भी याद ना, तरीका याद रखना, उड़ा देंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बताओ यहाँ पे बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही है, तो करंट निकालने के लिए इसका वोल्टेज चाहिए और नेट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। करंट आएगा बैटरी का वोल्टेज ओवर नेट रेजिस्टेंस, तो भाई बैटरी का वोल्टेज तो 5 है, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सर, देखो भाई क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब नल डिफ्लेक्शन है, तो गैलोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, मतलब ये पोटेंशियल सेम है, तो इसको हटा सकते हो। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये मिलेंगे आपको कितना, 6+4 दैट इज 10 ओम, और ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है ये भी आएंगे 10 ओम, ठीक है, क्योंकि ये हमने निकाल लिया है, क्योंकि आपको 0.1 ओम दे रखा है पर सेंटीमीटर और ये लेंथ ही 40, तो 40 × 0.1 4 ओम आ गया, और ये 60 दे रखा है तो 0.1 × 60 6 ओम आ गया, तो ये 4 ओम प्लस ये 4 ओम ये भी हो गया 10 ओम, तो 10 × 10 ये होंगे पैरेलल में, 10 × 10 over 20, तो ये आ गया आपके पास 5 ओम। तो इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस 5 ही तो है, तो करंट आ गई 1 एम्पियर, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, करंट आ गई 1 एम्पियर। तो दो तरीके की सिचुएशन उसने बनाई थी और हमने उसको उड़ा डाला, ठीक है। अब हम चलेंगे 107 पे, ठीक है सर, 107 में क्या बोला है भाई, एक सर्किट दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर यूज किया गया है, वोल्ट मीटर, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस है 500 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 500 ओम, बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की, ओके, ठीक है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 1000 ओम, ये भी ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम। तो यहाँ से जो बैटरी है इसको पूरे सर्किट को करंट सप्लाई करेगी, तो पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं पूरे सर्किट में है कितनी। सर पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, बताओ वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज यहाँ पे रीड करेगा, वो पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी वो तो निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, नेट करंट निकालने के लिए आपको नेट ईएमएफ चाहिए और नेट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, नेट ईएमएफ है 10, रेजिस्टेंस ये है, ये है, ये दोनों रेजिस्टेंस देखो, ये 1000, ये 500, ये पैरेलल में है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकालो, 1000 × 500/1500 हो जाएगा, नीचे ये 3 आएगा, ठीक है ना, तो 1000/3 हो गया। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना इसको, नेक्स्ट सर्किट अगर बनाऊं मैं,
ठीक है, ये मैं ऐसे बनाऊंगा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये 500, ये 1000/3 हो गया, और ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ से करंट सप्लाई करेगी। तो करंट आपके पास आ जाएगी दोस्तों 10/10+10, तो दिस इज वॉट 2500/3 आएगा मेरे ख्याल से, करंट आएगी 30/2500, इतनी एम्पियर की करंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो करंट जाएगी, देखो ये कितना वोल्टेज अक्रॉस करेगा, अब ये जो वोल्टेज है ना अल्टीमेटली इसके अक्रॉस है, ठीक है, अल्टीमेटली इसके अक्रॉस है, तो ये कितना रीड करेगा वोल्टेज, तो जो करंट इसमें जाएगी वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, वो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वही ये रीड करेगा। तो V निकालने के लिए I इंटू R करेंगे, V आ जाएगा, I कितना है सर, I हो रहा 30/2500, रेजिस्टेंस कितना है सर इसका 1000/3, 3 ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यह बचा आपके पास 10/10/25, एंड ये बच गया 4 वोल्ट। दिस इज योर 4 वोल्ट, आप चेक करें ऑप्शंस वगैरह में गिवन होगा, ठीक है ना, ऑप्शंस वगैरह में गिवन होगा 4 वोल्ट है, कैलकुलेशन में देख लेना। बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है कितना पोटेंशियल रीड करता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप यहाँ से सीख सकते हो और इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करेंगे 108, कम ऑन 108, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात कर लेते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अपने आप आपने करना है। उसने बोला गैलोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस दिस दिस, गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3663 ओम दे रखा है, ठीक है सर। फिर उसने बोला है अ शंट ए एस इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, ठीक है, सच दैट 1/34 ऑफ द टोटल करंट पासेस थ्रू द गैलोमीटर। आपको पता है गैलोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करते थे, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको शंट कहते हैं, और इसमें जो करंट जा रही है आईजी है ना, डिफ्लेक्शन करंट जो होती है गैलोमीटर में, वो टोटल करंट जो इधर से आ रही है उसकी 1/34 था, ये बोला है उसने क्वेश्चन में क्लियरली। तो पूछ रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, विद द मेन सर्किट, सो दैट द टोटल करंट इन द मेन सर्किट रिमेन्स है ना अनअल्टर्ड इवन व्हेन द गैलोमीटर इज शंटेड इज, तो कितना रेजिस्टेंस होगा। देखो भाई, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे, शंट की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, शंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, कैसे सर, एस इज इक्वल टू होता है जी ओवर आई ओवर आई जी माइनस वन, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो S इज इक्वल टू आएगा, G की वैल्यू देखिए 3663 ओवर I ओवर IG, यहां से निकाल लो, I ओवर IG 34 आएगा माइनस 1, तो S आ जाएगा 3663/33, इससे कैंसिल करो उसको, 33 कितना आएगा 3 आएगा, तो 111 इतना ओम आ गया मेरे ख्याल से, 111 ओम ही आपको मिलेगा, आई होप सो। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे, यहाँ पे द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल यू नो वैल्यू आर एज शोन इन द फिगर, देन द अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर डिसिपेशन। भाई कुछ सर्किट आपको दे रखे हैं, देखो पहला सर्किट ये दिया है, 3 रेजिस्टेंस है इनमें और सब इक्वल है R, और इसमें करंट जा रही है I, कॉम्बिनेशन में फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ओके फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन में दिया है आपको, सेकंड कॉम्बिनेशन में दिया है कुछ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी करंट आई ही जा रही है R, ठीक है सर। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या दिया है सर, थर्ड कॉम्बिनेशन है दोस्तों तीनों पैरेलल में है, R एंड दिस इज ऑल्सो R, ठीक है, ऑल दे आर इन पैरेलल, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज द करंट, ओके। अब इसके ना सबसे खास बात पता है क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि इनको अरेंज करना है अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर डिसिपेशन, मतलब किसमें सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा। पावर डिसिपेशन के दो ही फॉर्मूले आप यूज किया करते थे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर वाई आर। अब ये देखो इन सारे सर्किट में कॉमन बात क्या है, देखो सब में करंट कॉमन है, तो ये करंट डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट सब में सेम है तो पावर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो R, ये तो 3R है, R1 आ गया 3R, सबसे ज्यादा यही है, ठीक है, रेजिस्टेंस इससे ज्यादा मुझे लग रहा होगा। ये थर्ड वाले में देखो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, इसको थर्ड मान लो, ये आएगा R, R, R/3, सबसे कम तो यही नजर आ रहा है, ये 2R हो गया सर, और ये पैरेलल में 2R, R, 3R, तो दोस्तों ये बन गया आपके पास 1R कैंसिल 2R/3, ठीक है 2R/3, ओके। तो सबसे कम कौन सा है, ये फिर ये ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये है, तो इसमें जो पावर डिसिपेशन होगा P1, इसमें होगा P2 और इसमें होगा P3, तो यू कैन राइट P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3,
ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका सिचुएशन यहाँ पे बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके ओके गाइस, इसमें एक सर्किट यार और गिवन है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया बॉस। तो एक सर्किट ऐसे गिवन है इसमें कि ये आर है, ये आर है, ठीक है सर, ये आर है, करंट सब में सेम ही है, ये आर, ये आर, ये आर, तो आप देखो ये पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट आर बाई टू आएगा, आर एड करोगे 3R/2 आएगा यहाँ पे, यानी आर फोर आ रहा है 3I/2। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आर है आर वन, फिर है आर फोर, फिर है आर टू, फिर है लास्ट में फिशर डी आर थ्री, तो इसी की पावर ज्यादा होगी, फिर फोर की होगी, ठीक है, फिर टू की होगी, फिर थ्री की होगी, बस ये याद रखना। यानी फर्स्ट में कंजप्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर फोर्थ में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, उड़ा डालो, ऑप्शन देखो उड़ा डालो, ऑप्शन देखो उड़ा डालो। ठीक है, अब बात करेंगे 111, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप करने, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ यू नो बी एक्स की वैल्यू, उसमें आपसे पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, फोर्स सब कुछ दे रखा है, बस ये ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स दे रखा है, तो क्यू इंटी वी क्रॉस बी होता है यार, ये आप यूज कर लेना। ठीक है, ये आप यूज कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है तो इजी, थोड़ा सा हिंट देता हूं। सो अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 113। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 112 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि सिंपल से दे रखे हैं, मैग्नेटिक एमईसी का ये कांसेप्ट है और सर्कुलर वायर, स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबको बताऊंगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 की हम बात कर लेते हैं, उसमें तीन वायर दे रखे हैं, आप चेक करें। ठीक है, थ्री वायर्स आर गिवन, इसमें जो करंट है भाई वो 20 एंपियर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 10 एंपियर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 30 एंपियर। ठीक है सर, ओके, सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर एंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके कूल, तो पता है क्या पूछ रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर क्यू, है ना, ये वायर क्यू है, ये सॉरी पी है, ये क्यू है और ये फिर आपका आर है, दिस इज आर, दिस इज क्यू, दिस इज पी, तो इस पे नेट फोर्स निकालना है, वायर क्यू पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, नेट फोर्स का मतलब उसकी लेंथ भी दे रखी है, वायर क्यू की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जो फोर्स निकालोगे लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो देखो क्या करना है, इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी, देखो पहले तो देख लो, इसमें जो करंट है अप है, इसमें करंट है डाउन, तो जब करंट ना दो वायर में एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो ये वायर इस पे फोर्स इससे रिपल्सिव लगाएगा अवे, यानी इसका फोर्स आएगा इधर आर वाले का, ये ध्यान रखियो, जब करंट अपोजिट होती है तो इस पे फोर्स अवे लगेगा। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, ये भी इससे अवे लगेगा, इसका फोर्स इधर आएगा P वाले का, तो इस पे जो नेट फोर्स है देखो इसमें और इसमें अपोजिट है, तो ये वाला इस पे फोर्स इससे अवे करेगा, तो इस पे नेट फोर्स अपोजिट हो गया, तो Q पे जो नेट फोर्स आएगा आप चेक कर सकते हो, वो आएगा FR-FP, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, बस पटक दो, हो जाएगा। कैसे सर, देखो अगर आप FR निकालोगे तो फॉर्मूला यूज करोगे 2μ0 2I1I2/4πD(L), लेंथ जरूर ले लेना। ठीक है, लेंथ जरूर ले लेना यहाँ पे, इसकी लेंथ जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, और I1 I2 इसमें कितनी है 20, इसमें है 10, यहाँ पटक देना, D इनके बीच की डिस्टेंस है तो यहाँ पे पटक देना, तो FR आ जाएगा आपका μ0/4π(2×10)×20/2×10^-2, लेंथ है 10 × 10^-2, सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेना है। सिमिलरली एफ पी की वैल्यू निकाल लेना, एफ पी इन दोनों के बीच में है, तो μ0 2I1 कितना है सर 10, ये कितना है सर 30/4πD कितना है सर 10 एन के बीच में, और लेंथ है इसके 10−2। ठीक है, 10×10^-2, यहाँ से निकाल लेना, पटक देना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पटकनी है बस यार, इतना तो कर ही लेंगे आप। ठीक है, 114 पे आ जाओ, 114 पे आएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 114 है, स्ट्रेट मैग्नेटिक वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज फोल्डेड टू फॉर्म एन आर्क दैट सबस्टेंड एंगल ऑफ 60° एट द सेंटर। एक वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया जिसके सेंटर पे एंगल बना रहा है 60°, तो बताओ इसका नया डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि किसी मैग्नेट को किसी आर्क में चेंज कर दिया और वो कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, दिस इज π/3, तो नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं, 2m, ठीक है, 2m साइन ऑफ θ/2/θ, थीटा रेडियन में लेना, इस बात का ख्याल रखना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, तो न्यू जो डायपोल मोमेंट आएगा 2m इनिशियल है
साइन थीटा है या पाई बाय थ्री, तो पाई बाय सिक्स हो जाएगा क्योंकि टू भी है और डिवाइड में थीटा पाई बाय थ्री। तो गाइस ये आ जाएगा आपके पास, थ्री ऊपर जाएगा तो सिक्स एम बाई पाई, और देखो साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा थर्टी, तो ये आएगा वन बाई टू, ये कैंसिल, दैट इज थ्री एम बाई पाई। ईजिली इससे क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज लेंथी से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला याद रखो, जहाँ पे m इनिशियल डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 115 थियोरेटिकल क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं। एक बी एच कर्व दे रखा है, ठीक है, कर्व फर्स्ट कर्व सेकंड किसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन स्टील स्टील सॉफ्ट आयरन, जिसका ग्राफ कम है, ठीक है, जिसका ग्राफ कम है वो क्या बोल रहा है, जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम हो रहे होंगे, ठीक है, जिसका ग्राफ ज्यादा है उसमें लॉसेस ज्यादा हो रहे होंगे, इस कंसेप्ट का यूज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 ग्राफ है, जस्ट यू जस्ट रिमेंबर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे वरी करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सेम सेम आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज ए रेडियस आर, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 है, वो 18th नहीं है, 1/8 है वो, करेक्ट कर लेना, टू इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल इज, ठीक है। पता है क्या बोल रहा है, उसने बोला एक क्वाइल है सर्कुलर, उसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस अवे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले तो समझो इस करंट कैरिंग क्वाइल की वजह से, ठीक है ना, इस करंट कैरिंग क्वाइल की वजह से इसके एक्जियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले वो निकालो, एक्जियल पॉइंट पे म्यू नॉट ओवर 4πd, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4π लिखो केवल, इंटू 2i πr² ओवर r² प्लस x² की होल पावर 3/2। पहली बात तो ये होता है, ये इसकी रेडियस है, ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यार सर करंट कैरिंग क्वाइल की वजह से एक्जियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये होता है, और सेंटर पे क्या होता है सर, वो तो आपको पता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई ओवर 4πr इंटू एंगल बनाएगा 2π, ये होता है सर। अब वो बोल रहा है कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसका 1/8 है, तो हम लिखेंगे एक्जियल का मैग्नेटिक फील्ड 1/8 है सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का, सारी वैल्यू पुट करो, तो म्यू नॉट 2i πr² ओवर 4π, है ना, r² प्लस x² 3/2 इक्वल टू 1/8 ऑफ दिस, सेंटर में जो है इससे कैंसिल करो 2 बचेगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r बचेगा यहाँ पे, ठीक है, म्यू नॉट से म्यू नॉट उड़ा डालो, पाई से पाई उड़ा डालो, करंट से करंट उड़ा डालो, एक 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 यहाँ पे r² बच रहा है, यहाँ पे नीचे r बच रहा है, ठीक है, 4 से ये उड़ा डालो, तो सर यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2 बचा, r² बचा, नीचे बचा r² प्लस x² की होल पावर 3/2, और इधर बचेगा बॉस आपके पास 4r, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा सर 8r³ हो गया, और इधर आ गया r² प्लस x² की होल पावर दिस इज 3/2। अब पता है क्या करो, क्यूब रूट लो उसका, तो ये बनेगा 2r³, ठीक है, इसका क्यूब रूट लोगे, ठीक है ना, तो ये हट जाएगा यहाँ से, 2r बचेगा केवल, ठीक है, क्यूब रूट लोगे ना इसका 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2r बचेगा, और यहाँ पे क्यूब रूट लेके 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा r² प्लस x² की पावर 1/2, समझ गए होंगे। अब इसका क्यूब रूट ले लो 1/3, इसका भी ले लो 1/3, ठीक है, अब देखो यहाँ स्क्वायर करो तो 4r² हो जाएगा, इधर r² हो जाएगा, प्लस यहाँ x² बचेगा, रूट हट जाएगा ना यहाँ पे, तो इसको इधर ले गए हो तो ये बचेगा 3r² इज इक्वल टू x², नाउ यू कैन राइट दिस √3 × r, ठीक है, √3 × r ऐसा कुछ होना चाहिए बॉस, यस √3 × r सेकंड ऑप्शन आपके पास मैचअप कर रहा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118 थियोरेटिकल कंसेप्ट है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, आप खुद कर सकते हो, आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है 119, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। इस केस में जब एक स्क्वायर कॉइल बड़ी और उसके अंदर एक छोटी रखी है, इसकी लेंथ एल है, कैपिटल वाले की जो बड़ी वाली है उसकी लेंथ है कैपिटल एल, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हमेशा स्मॉल की लेंथ का स्क्वायर ओवर एल, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द बिगर वन उसकी लेंथ, ये ही आएगा निकल के, याद रखना आप डायरेक्ट, ठीक है, लास्ट ईयर जेई मेन और नीट दोनों में पूछा गया है, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने सेल्फ इंडक्टेंस वाली वीडियो में आपको बताया भी था, आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 120 भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वैसे तो यार आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, देख लो, थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 1 ओम,
बैटरी है 15 वोल्ट और ये है 5 मिली हेनरी और इसमें करंट जा रही है इसमें कितनी सर, करंट जा रही है इसमें 5 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है और डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है 10 टू पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है आपसे ए और बी के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पॉइंट ए और बी के बीच में नेट पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बॉस, ये निकालना है, बी माइनस ए निकालना है यहाँ पे, ऐसे कुछ पूछ रहा है। तो क्या करेंगे सर इसके लिए, क्या करोगे यार, चूंकि इसमें डिक्रीजिंग करंट जा रही है, अगर करंट इसमें डिक्रीज करते हुए कॉइल में जाएगी तो ये ऐसी बैटरी बनेगी जो इसका सपोर्ट करे नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मिली हेनरी है ना, तो जब आप ई यूज करोगे ना एल डी आई ओवर डी टी, तो एल है 5 मिली और डी आई ओवर डी टी भी प्लस 3 है और मिली माइनस 3 तो 5 बचेगा आपके पास, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 5 वोल्ट। अब केवल अप्लाई कर दो, देखो ए से चलो वी ए आगे बढ़ो, इसमें करंट जा रही है 5 into 1 यानी -5 into 1 आएगा, बैटरी मिली माइनस से प्लस तो आपको प्लस पे जाना है तो प्लस आ गया, फिर बैटरी मिली माइनस से प्लस तो प्लस 5 आ गया, इक्वल टू वी बी, आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गया, तो वी बी माइनस वी ए आएगा यहाँ पे 15 वोल्ट, ठीक है, लेकिन वी ए माइनस वी बी आएगा यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं -15 वोल्ट। तो आपसे पूछा है वी बी माइनस वी ए दैट इज 15 वोल्ट, है ना, इजी है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 121 की हम बात करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इससे पहले, जो इसमें बस सर्कुलर कॉइल है इसकी रेडियस है आर और बाहर वाली की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है ना, उसने बोला इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो भाई इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा ना सेम स्मॉल आर की रेडियस के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कैपिटल वाली कॉइल की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस पे डिपेंड करता है, आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, सिंगल टर्न कॉइल्स हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस आप अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसने फॉर्मूला पूछा है, अगर उसने फॉर्मूला पूछा है डिपेंडेंसी नहीं पूछी है, डिपेंडेंसी तो ये होगी, तो पता है क्या करोगे, इसमें करंट मान लो और इसको कॉइल 1 मान लो, उसको कॉइल 2, तो बताया इसका करंट की वजह से इसमें फ्लक्स होगा 2 में, यानी फ्लक्स 2 जो होगा वो क्या होगा m * करंट इन i1, बस तो m आ जाएगा phi 2 ओवर i1, phi 2 को कैसे लिखोगे, b मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा जिसमें करंट होती है यानी 1 का, और phi = होता है BA एरिया जिसमें निकालना है ये रहा A2 ओवर I1 और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था याद करो म्यू नॉट I ओवर 4 पाई R * 2 पाई यही होता है ना, ठीक है ना, इससे इसको कैंसिल 2 बचेगा, तो यहां लिखोगे आप म्यू नॉट I ओवर 2R * पाई छोटी वाली कॉइल का एरिया सेकेंडरी है ना, तो वो हो जाएगा ये और ये आ जाएगी I, I से I कैंसिल, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R, दिस इज योर आंसर, आप देख सकते हो डिपेंडेंसी आंसर पूछा तो आंसर भी कर सकते हो, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है, कर लेंगे आप, बस ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 122 डायरेक्ट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड है, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है जी, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका यू नो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा आपका सोलेनोइड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि उसकी जो लेंथ है वो हाफ कर दी गई है, रेडियस भी हाफ कर दी गई है, तो वो लेंथ और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेल्फ इंडक्टेंस आर स्क्वायर बाई एल पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला यूज कर लेना एल वन बाई एल टू इक्वल टू आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर इंटू एल टू बाई एल वन, पुट कर देना वैल्यू, आर वन की आर बाई टू, एल टू की एल बाई टू, अपने आप आंसर आ जाएगा, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइज, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 123, क्या बात कर दी यार, 123 में दो कॉइल दे रखी है, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी जेई मेन में पूछा गया है, इस तरीके से दे रखी है, इसमें जो करंट जा रही है इधर को जा रही है, ठीक है, इसका सेल्फ कोएफिशिएंट L1 है और ये करंट यहाँ से होके फिर इसमें जा रही है, इसका सेल्फ कोएफिशिएंट, दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन सेम है, देखो इसमें भी इधर ही है इसमें भी इधर, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो L इक्विवेलेंट होता है इसका L1 प्लस L2, सेम डायरेक्शन में जब करंट रहती है तो प्लस 2m करना है, प्लस 2m करना है, ध्यान देना प्लस 2m करना है, ठीक है, अगर अपोजिट करंट होती इसमें इधर इसमें इधर तो माइनस 2m करते, तो ये आप डायरेक्ट रखें, जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन होगा इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है सर, देखो उसने बोला कि एक बल्ब है और एक कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, बल्ब का मतलब एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक एसी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, ठीक है सर, उसने बोला अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है, देन बल्ब विल, तो बताओ बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, ठीक है, ये बताना है, तो देखो यार एक चीज ध्यान देखो, बल्ब का ना वोल्टेज सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो इसका ना इंपीडेंस देख लो, मतलब रिएक्टेंस देख लो, उसका क्या है, आरसी सर्किट का रिएक्टेंस क्या होता है, आरसी सर्किट का 1/ωc होता है,
ठीक है, और ओमेगा को बढ़ा रहा है, ठीक है, ओमेगा को बढ़ा रहा है तो इसका रिएक्टेंस घटेगा, रिएक्टेंस डिक्रीजेस, क्लियर है गाइस, रिएक्टेंस डिक्रीजेस। और अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है वोल्टेज को उसने कॉन्स्टेंट कर दिया है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज नहीं कर जाएगी, ठीक है, इसकी जो ब्राइटनेस है, क्योंकि V इक्वल टू क्या आपके पास, V इक्वल टू है आई जेड, ठीक है, तो जेड जो है उसका यानी आई एक्स सी, तो आई आप लिखेंगे V बाई एक्स सी, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगी, तो करंट उसमें बढ़ेगी, तो उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी जो यू नो बल्ब की जो इंटेंस लाइट है वो इंक्रीज करेगी, बल्ब विल गिव मोर इंटेंस लाइट, ब्राइटनेस उसकी बढ़ जाएगी, ऐसे आप समझेंगे। बेसिक सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे आप समझो। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें क्या करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 125 अपने आप करना है, अपने आरएमएस वैल्यू निकालनी है, अपने कर सकते हैं आप, मेरे को लग रहा है आप कर लेंगे खुद ही। ओके गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 126, जिसमें पूछ रहा है कि एक सर्किट दे रखा है, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट है सीरीज में, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विल बी, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट निकालनी है, और करंट की जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस, ये रहा फॉर्मूला, ये आपको दे रखा है दोस्तों। ये कितना दे रखा है सर, देखो वोल्टेज दे रखा है 20, और जेड निकाल लो, बस जेड निकाल लो, ठीक है, जेड आ गया तो आपका आंसर बन जाएगा। जेड कैसे निकालते थे सीरीज में, जेड निकालते थे आप यू नो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है आर, ठीक है सर, और इस पे जो क्वाइल है उस पे लिखा है 4 ओम, तो इसका एक्सएल तो दे दिया है, एक्स सी नहीं दिया क्योंकि सी दिया है फैराड में, तो एक्स सी निकालना पड़ेगा आपको। एक्स सी कैसे निकालेंगे, 1/ωc से, ओमेगा दे रखा है आपको, देखो कितना 2000 इंटू सी कितना है 50 माइक्रो, माइनस 6 कर दो, यहाँ से एक्स सी निकाल लेना, आर भी पता है, एक्सएल भी पता है, एक्स सी पता है, पुट कर देना, जेड आ जाएगा, जेड को यहाँ पुट करना, करंट आ जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ द करंट आपके पास आ जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 127 ईजी है, वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। 127 में क्या है सर, आपको दे रखा वोल्टेज 5 sin of है ना 100 πt − π/6, और जो करंट दे रखी है ना, करंट दे रखी है आपको 4 sin of दैट इज 100 πt + π/6, ठीक है, ये व्हाट इज दैट, दिस इज π/6 एंड दिस इज ऑल्सो π/6। तो पता है क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वोल्टेज लीड करेगा करंट से या करंट लीड करेगा और कितने एंगल से करेंगे। देखो भाई, यहाँ आपका इसका फेज एंगल है π/2 माइनस में और इसका है प्लस में, तो फेज डिफरेंस निकाल लो ना, तो π/6 माइनस, इसका है माइनस में π/6, तो ये आएगा π/3, मतलब 60 डिग्री से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट लीड करती हुई नजर आ रही है, 60 डिग्री से करंट लीड करती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 128, दैट इज द ऑसम प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देखें आप, और ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड बस 2-3 फॉर्मूले होते हैं यार, उनको रिवाइज करके जब उनको सॉल्व करके उनका यूज करके आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर। कैसे, इसमें बोला है कि क्वेश्चन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दे रखा है, बट रेशियो दिया है रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टर्न टू द प्राइमरी टर्न, यानी N2/N1 दे रखा है 1/20, और जो प्राइमरी टर्न है पहली कॉइल है उस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसने एसी वोल्टेज 240 वोल्ट, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम, ठीक है ना। तो पूछ रहा है प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी होगी, ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में अगर आपने करंट निकालना है तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस इस मेथड का आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसका वोल्टेज दे रखा है आपको 240 और रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, निकाल सकते हो। याद रखना, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स की विनोर सेकेंडरी किसी एक कॉइल का रेजिस्टेंस पता हो तो R1/R2 यू कैन यूज डायरेक्टली N1/N2 का होल स्क्वायर। R1 निकाल लो, R1 आएगा R2 है 6 ओम, और N1/N2 क्या होगा 20, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा, तो गाइस यू कैन सी दिस इज 224 यानी 6 × 400, ये आ गया आपके पास R1 इतना ओम, बस हो गया। अब यहाँ पे पुट अप कर दो, I1 प्राइमरी में करंट आ जाएगी 240 डिवाइड में 6 × 400, ठीक है, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, तो आपको दिख रहा है यार 10 बचेगा यानी 0.1 एम्पियर। दिस इज योर करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ओके, दिस इज योर करंट इन द प्राइमरी कॉइल, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप याद रखें, आप दूसरे तरीके भी अप्लाई कर सकते थे, N1/N2 इक्वल टू होता है वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी, ठीक है, और आपको पता है जो करंट का रेशियो होता है सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी, ये रिलेशन भी यूज कर सकते हो आप अगर आपने करना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 फिर से ट्रांसफॉर्मर का अपने आप करना, इसी रिलेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, अपने आप करना इसी रिलेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है सर, आराम से देखते हैं। उसने बोला इन एन ऑपरेटर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फाउंड टू बी ऑसिलेट विद द एम्पलीट्यूड 18 वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको 18 वोल्ट पर मीटर,
ठीक है सर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो जब भी कभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन और मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट पूछे तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, तो यू कैन राइट हियर, सो दिस इज बी नॉट, बी नॉट आप निकाल सकते हो, ये दे रखा है आपको 18, सी होती है 3 × 10⁻¹, तो आएगा 6 × 10⁻¹¹, इतना आपके पास आंसर टेस्ला में आ जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं, उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग जेड एक्सिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेस टाइम वैरिंग फील्ड्स वुड जनरेट सच अ वेव। अगर यार आप देखो ना, वेव अगर जेड एक्सिस पे जा रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्स पे जाएगा, एक वाई पे जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ई एक्स और ई एक्स बी वाई, ठीक है ना, ई एक्स बी वाई, अगर जेड पे जा रहा है तो ई एक्स पे और बी वाई पे, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्वेश्चन नंबर 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे काफी क्वेश्चन जेईई मेंस में रिपीट हो चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं बता रहा हूं। उसने बोला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब भी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पूछे मीडियम में तो हमेशा होती है स्पीड इन स्पेस ओवर अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आपको पता है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, पुट कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है, पुट कर देना, डेटा चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके पास यहाँ बनने वाला है 133 में क्या पूछा है सर, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा है। पहले तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट होती थी क्या, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। पता है क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एरिया ए है, सेपरेशन जो भी है उसकी, उनके बीच की डी है, ठीक है ना, उसमें एक कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रही है, दैट इज आई, अगर प्लेट का एरिया ए बाई टू कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी। आप यहां से अगर ध्यान से देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे फाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट फाई होता है बी इंटू ए, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली करंट दूसरी करंट, पहला एरिया दूसरा एरिया, ये दे रखा है पहले का हाफ, ठीक है, निकाल लो यार, आंसर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट हाफ ही हो जाएगी ना, कर सकते हो आप, ठीक है ना, कर सकते हो। ओके ओके गाइस, सो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 134 की। ओके, तो 134 में क्या बोला गया जल्दी से देख लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कंकेव लेंस ऑफ लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 134। तो इसने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब आप ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ध्यान से देखना कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं आप लोगों के वास्ते, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, ठीक है सर, एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये लेंस बी है और ये लेंस आपका ए है। ओके, सो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। पता है क्या बोल रहा है वो, आपने बोल रहा है विद द डिस्टेंस डी बिटवीन दैम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वो d है कुछ, ठीक है, d डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन a एंड लीव्स b एज ए पैरेलल बीम, मतलब इस पे पैरेलल टकराती है, समझना ध्यान से, और इस पे जब इंसिडेंट करेगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो इससे पैरेलल बाहर निकलती है, ठीक है, इस सेकंड वाले लेंस से क्वेश्चन में बोल रहा है पैरेलल बाहर निकल रही है, द डिस्टेंस बिटवीन d इन सेंटीमीटर विल बी, तो बताओ इस कंडीशन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। भाई ध्यान से देखो, तो मजा आ गया, जब किसी लेंस पे पैरेलल बीम यू नो इंसिडेंट करती है तो बीम कन्वर्ज होके किधर जाएंगी, इसके फोकस की तरफ जाएंगी, ठीक है, इसके फोकस की तरफ जाएंगी और यहां से फिर आगे बढ़ेंगी, ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगी ऐसे, ठीक है, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है C1 जो पॉइंट होगा, कुछ भी मान लो उसको, F1 मान लो उस पॉइंट को आप, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि पैरेलल बीम फोकस पे ही जाके कन्वर्ज होएंगी और जब लाइट रे यहां से आगे बढ़ेगी तो ये इसका फोकस होगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला इससे बाहर निकलने वाली बीम भी पैरेलल होंगी, वो पैरेलल तभी हो सकती है जब इसके फोकस से आ रही होंगी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका भी फोकस है और इसका भी फोकस है, ठीक है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ दे रखी है ये, और यहां से इसकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं आ गई, 20 + 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। उसने बोला इस पे पैरेलल बीम जाएगी तो वो इसके फोकस पे इंसिडेंट करेगी, यहां से जब आगे जाएगी इससे जब बाहर निकलेगी तो पैरेलल हो जाती है, मतलब इसके फोकस से आ रही होगी, मतलब दिस पॉइंट इज द फोकस फॉर बोथ, है ना, दिस पॉइंट इज द फोकस फॉर बोथ, आप ऐसे समझ सकते हैं और उसी की कंसेप्ट का यूज करके आपने डिस्टेंस निकाल लिया फटाक से। 134 की बात करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 134 में क्या बोला गया भाई। क्वेश्चन नंबर 134 भी ऑसम प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। डायग्राम नहीं दे रखा है तो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। उसने बोला लुमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, ओके। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड। मतलब इधर कोई एक मिरर रखा हुआ है जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, और वो पूछ रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही पूछ रहा है, इसमें भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही पूछ रहा है। किस कंडीशन में पूछ रहा है ये देख लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, समझ गए। ओके सर, बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव एन अपराइट, बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव एन अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्साइड विद इट, है ना, कॉन्साइड विद इट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो रेज आएगी और ये जो इमेज कहीं भी बनाएगा, लेट्स सी ये इसको कन्वर्ज करेगा, आपको पता है कन्वर्जिंग है तो कहीं रेज इधर जा रही होगी। ठीक है, तो अगर ये ना होता तो कहीं यहाँ पे जाके इंसिडेंट करती, यहाँ पे इमेज बनती, अगर ये ना होता, ये मिरर ना हो अगर, तो इसकी रे कहीं यहाँ पे जाके इंसिडेंट करेगी और वहां पे अपनी इमेज बना देगी। ठीक है ना, वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्साइड कर रही है। देखो भाई, ये तभी पॉसिबल होगा जब रे यहां से जो जाएगी और मिरर पे टकराएगी, मिरर पे 90 डिग्री पे टकराए तो वापस रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को, अगर वो 90 डिग्री पे टकराएगी। समझना आप बात को बहुत ध्यान से, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। यहां से जाने वाली रे अगर मिरर पे 90 डिग्री पे टकराए तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और वहीं पे इमेज बना देगी जहां पे ऑब्जेक्ट है, यानी कॉन्साइड कर जाएगी ऑब्जेक्ट के साथ, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द मिरर इन दिस सिचुएशन, और अगर ये रे इसके मिरर पे 90 डिग्री पे टकराएगी, इसका मतलब ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी, मतलब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, है ना, क्योंकि सेंटर से आने वाली रे मिरर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी आर होगी और आर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी तो वॉरी ही नहीं है, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो रे यहां पे इंसिडेंट करी, अगर ये ना होता तो इससे कितनी दूर इसने इमेज बनाई, उसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर हमें और इस लेंस से इस सी पॉइंट तक की डिस्टेंस मिल जाए, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा, यानी डी आएगा वी माइनस 10, आपका आंसर बन जाएगा। कंसेप्ट पे ध्यान दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंस के लिए बात करेंगे। फोर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v - 1/u, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस लेंगे, प्लस ले लेंगे सर, v निकालना है, u कितना है सर इसके सामने है और सामने की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, दैट इज -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -v = -20, 1/20 - 30। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा सर, आप देख सकते हो ये 20 है, ये आपका 30 है, तो 60 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, दैट इज 1/60, और ये 1/v है तो v आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर। तो लेंस इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा ना इस पॉइंट पर, है ना, इमेज बनाएगा इस पॉइंट पे, वो 60 सेंटीमीटर अभी बन रही है, तो ये v आपका आ गया 60 - 10, दैट इज 50 सेंटीमीटर। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे क्या है इसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपको भी पता है पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, awesome problem you can say, okay। अब बात करें हम question number 36, उसने बोला है कि जो lens है जब वो air में रखा है उसका refractive index दे रखा है 1.5 और फिर इसके surrounding ये जो region है ये एक liquid से fill कर दिया गया है, तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे इसको इस तरीके से divide कर सकते हो, एक part ये अलग निकाल लो, ठीक है, जो इससे मिलके बना है, plus ये अंदर वाला lens अलग कर लो, ठीक है, plus ये वाला अलग कर लेंगे, ठीक है, तो तीन लेंस यहाँ पे आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका refractive index भी 1.6 है, ओके ओके ओके, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी 1.6 है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसकी फोकल लेंथ F1 मान लो, उसकी F2, इसकी F3, नेट फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन क्या होती है, 1/f, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है सर, ये कैसे निकालेंगे, लेंस मेकर से निकालेंगे, लेंस मेकर से इसको लेंस 1 मान लो, लेंस 2 मान लो, लेंस 3, इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, 1/f1 = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2, नो प्रॉब्लम गाइज,
ठीक है, इसका यूज करो हो जाएगा। म्यू इसका दे रखा है 1.6, ये वाली साइड जो है इसकी, ये वाली साइड आप देख सकते हो इनफाइनाइट है क्योंकि प्लेन सरफेस है, तो आर वन यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा और आर टू इसकी कर्वेचर की दे रखी होगी आपको, इस लेंस के जो इस लेंस की होगी वही इसकी होगी, ठीक है। वैसे इसके लिए, वैसे इसके लिए सबकी निकालेंगे लेंस मेकर से, यहाँ पुट करेंगे आपका आंसर बन जाएगा, खुद ट्राई करेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, इजी है, बस वैल्यू पुट अप करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। -100 सेंटीमीटर आई थिंक इसका आंसर आएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कॉम्बिनेशन अलग अलग निकालना है, यहाँ पे पुट अप करना है, हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं एक कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं, चलो दिखा देता हूँ, ये जो लेंस है ना ये वाला, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो 20 आएगी, ठीक है, 20 आएगी यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे 1/f1 म्यू है 1.6 माइनस 1 हो जाएगा 1/∞ माइनस 1/20, क्यों? क्योंकि ये वाली जो साइड है इसकी राइट साइड में है, राइट वाली, जब भी कभी किसी सरफेस का कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो राइट साइड में जाएगा ना फेस, तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, कर्वेचर उसका नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 0.6 माइनस में और 1/20, देखो यार यहाँ से आ जाएगा -6/200, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो -3/100। तो ये आ गया आपके पास F1, सिमिलरली आप निकाल लोगे इसके लिए, ठीक है, इसके लिए सिमिलरली निकाल लोगे इसके लिए, आप पुट कर दोगे यार, होप सो अब आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके यार। तो बाकी क्वेश्चन आप, मतलब बाकी रिलेशन यहाँ पे F1 F2, मैंने F1 निकाल दिया, F2 भी वैसे निकाल लेंगे आप, फिर भी यहाँ पुट अप करके आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन 137 को आप ध्यान से देखो, बेसिक क्वेश्चन है ये, यू नो आप कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस वी एंड द मैग्निफिकेशन एम इन ए लेंस फॉलो सर्टेन लीनियर रिलेशंस, दे दीज आर, है ना, मतलब वो बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन है जिनका ग्राफ लीनियर फंक्शन बनेगा, है ना। तो ध्यान रखो, जब भी कभी हम ग्राफ बनाते हैं ना 1/v vs 1/u, तो ये लीनियर आता है, ये भी लीनियर आएगा, नहीं फर्स्ट ऑप्शन आपका करंट है करेक्ट है। एम वर्सेस यू, यू वर्सेस वी, एम वर्सेस वी, मैग्निफिकेशन वर्सेस वी भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, और 1/v और 1/u वर्सेस वो भी लीनियर होगा, दोनों याद रखना है, अपने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए यार, चूंकि इसमें लेंस की बात कर रहा है ना, ठीक है, इसमें बात कर रहा है लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस की फॉर्मूला यूज करके आप मैग्निफिकेशन वाला और लेंस फॉर्मूला यूज करके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 138 में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये गलत यू नो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। उसने जो हमसे एक्चुअली में जो पूछा है ग्राफ, वो पूछा है 1/u and 1/v का, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 138 में, ये आप करेक्ट कर लेंगे, ग्राफ यहाँ पे होना चाहिए वो 1/v 1/u का, ये वाला ग्राफ बनेगा एक्चुअल में, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे लीनियर रिलेशनशिप है तो उसको प्लीज याद रखेंगे। फॉर कॉनकेव मिरर इफ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है 1/v vs 1/u पूछा है, तो ऑप्शंस हुए दूसरे यहाँ पे रॉन्ग, यानी यहाँ पे पेस्ट हो गए एक तरीके से, टाइप हो गए एक तरीके से, ठीक है, ओके गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 139 में क्या बोला है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए सर्टेन मीडियम, एक पर्टिकुलर मीडियम है, इसको मान लो आप मीडियम, ठीक है, मीडियम वन मान लो, इसमें एक लाइट ट्रैवल कर रही है मीडियम वन में, और उसकी जो वेवलेंथ है इस मीडियम में वो दे रखी है 500 नैनोमीटर, और स्पीड दूर दे रखी है उस मीडियम में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। फिर क्या बोला है सर, उसने बोला है एंटर्स अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम, दूसरे मीडियम में ये एंटर करती है, मीडियम टू में एंटर करती है, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का 5/4 टाइम्स है, ठीक है ना। तो पता है क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेवलेंथ, उस मीडियम में वेवलेंथ कितनी होगी लाइट की और स्पीड कितनी होगी, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो भाई निकाल लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम है ये तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्हाट इज दैट सर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यार यहाँ पे एक रिलेशन आप यूज कर सकते हो, जो स्पीड होती है लाइट की मीडियम और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होती है, तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे में, और ये बन जाएगा आपके पास सेकंड का ओवर फर्स्ट का, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी वन दे रखा है 2×10⁸, वी टू निकालना है ना, तो ये म्यू टू कितना दे रखा है, म्यू टू ये रहा 5/4 μ1/μ1, ये हो गया कैंसिल। तो आप चेक कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे v2 आपका आ जाएगा 4×2×10⁸/5, ठीक है ना।
तो वी टू आ जाएगा 8/5 × 10^8, यानी इतना आएगा मेरे ख्याल से मीटर पर सेकंड। सेकंड मीडियम में जो स्पीड होने वाली है उस लाइट की इतनी होने वाली है, ठीक है। अब सेकंड मीडियम में उसकी वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। सर वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? पता है ना यार हमें, ठीक है, पता है हमें वेवलेंथ कैसे निकालनी है, ठीक है। आपको पता है स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या लैम्डा से भी निकाल सकते हो। लैम्डा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2, म्यू 2 ओवर म्यू 1, ठीक है ना। लैम्डा 1 कितना है सर? 500 नैनोमीटर। लैम्डा 2 निकालनी है, म्यू 2 आपको बताइए 5/4 टाइम्स है, 5/4 टाइम्स है म्यू 1 का। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है जी, ये कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई करो तो आ गया लैम्डा 2 400 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हो इजीली। ये देखो बेसिक सा कंसेप्ट है, इसका यूज करके आपने क्वेश्चन को उड़ा डाला, ठीक है। ओके गाइस, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 140 क्वेश्चन। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए लाइट गोइंग फ्रॉम ए मीडियम एक्स इनटू द मीडियम वाई इज थीटा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम एक्स इज वी, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम वाई। सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ये यहां पे टकरा रही है किसी क्रिटिकल एंगल पे, और ये एक्स मीडियम है, ये वाई मीडियम है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल पे टकरा रही है, तो ये लाइट इसमें नहीं जा पाएगी, ये TIR कर जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और जिस मीडियम से जा रही है पक्का एक्स मीडियम डेंसर होना चाहिए, तभी तो TIR करेगी, और ये पक्का रेरर होना चाहिए। बस उड़ा डालो फिर तो, उड़ा डालो फिर तो, ठीक है ना। तो पता क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितनी होगी। ओके सो क्या करेंगे सर, देख लो भाई क्या करेंगे, क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स दे रखी है, यानी यहां पे एक्स मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वी है, तो इसमें पूछ रहा है, ठीक है, इसमें कितनी होगी ये पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, वाई में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो क्रिटिकल एंगल पे टकरा रहा है, तो देखो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता था 1/μ, याद करो, ठीक है ना, यही होता था कि नहीं, 1/μ होता था कि नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर स्नेल्स लॉ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे दोस्तों, तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ओवर साइन ऑफ 90 हो जाएगा इज इक्वल टू, चूंकि डेंसर से रेरर में जा रही है, तो म्यू 1 ओवर म्यू 2 हो जाएगा, पहले लेंगे रेरर फिर लेंगे डेंसर, ये तो बताया ना, जिससे जाती है और जिसमें जाती है, अगर ये डेंसर है और ये रेरर है, तो हम लिखेंगे डेंसर से रेरर में जा रही है, तो उसको लिखेंगे रेरर अपॉन डेंसर, ठीक है, ऊपर रेरर आएगा नीचे डेंसर आएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, और हमें पता है ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर आ जाएगी। तो साइन 90 तो हो गया आपका 1, और ये बचा साइन थीटा, तो ये बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये दे रखी है v, ठीक है, डेंसर है x, v दे रखी है, और रेरर में निकालनी है, तो रेरर में स्पीड ऑफ लाइट आएगी v बाई साइन थीटा। नाउ यू कैन चेक इट आउट, v बाई साइन थीटा देख सकते हो आप, ठीक है, आराम से अप्लाई करो, आराम से कॉन्सेप्ट का अप्लाई करो, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है बॉस। तो दिस इज v बाई साइन थीटा, क्लियर है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देख लो भाई, 141, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 2, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको 2 दे रखा है। द प्रिज्म कैन हैव अ मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल, ठीक है ना, द प्रिज्म कैन हैव अ मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल, ठीक है, कितना उसका रिफ्रेक्टिंग एंगल आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल क्या होता है, यानी ए की बात कर रहा है, ए आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो साइन ऑफ ए इक्वल टू 1/μ, ध्यान देना, मैक्सिमम ए बनाने के लिए आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहां पे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 1/μ, यानी साइन ऑफ इनवर्स 1/2, ठीक है, और ये आ जाएगा 30 डिग्री, दिख रहा है, देखो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन ऑफ 30 लिख सकते हो, तो आंसर आएगा आपका 30 डिग्री, चेक करें आप, आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 2, दैट प्रिज्म कैन हैव द मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल की जब भी बात करेगा, दिस रिलेशन यू कैन यूज डायरेक्टली, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, सो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 141, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बहुत छोटा सा है, आप ध्यान से देखेंगे इसका कंसेप्ट जो है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 2, एक प्रिज्म है आपके पास,
ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, इसका रिफ्रेक्टिव एंगल आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। प्रिज्म कैन हैव अ मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल, यानी ये जो प्रिज्म एंगल होता है इसको रिफ्रेक्टिंग एंगल बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो हमें निकालनी है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझो, किसी भी प्रिज्म की मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल जो होता है या प्रिज्म एंगल होता है वो क्या हो सकता है, अगर ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 2 times ऑफ क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से, तो इस कंडीशन में जो रे यहां पे एंटर करती है वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगी, नो इमरजेंसी कंडीशन होती है ये, ध्यान से समझो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के डबल होता है या डबल से ज्यादा तो ये नो इमरजेंस की कंडीशन होती है, तो मैक्सिमम ए की वैल्यू इसके इक्वल ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 2 times ऑफ आईसी ही हो सकती है, क्योंकि नो इमरजेंस की कंडीशन पे ही ये मैक्सिमम हो सकता है, यानी क्रिटिकल एंगल निकाल लो उसका 2 times ले लो, वही आपका मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म हो सकता है, प्रिज्म एंगल हो सकता है। तो सर क्या करेंगे, प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, 1/μ, है ना, देन सर तो आईसी कितना आएगा, सर आईसी यहीं से निकाल लो डायरेक्ट, साइन ऑफ आईसी आ जाएगा 1/2, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो ये आ गया आईसी इज इक्वल टू 30 degrees, 30 इज नॉट आंसर, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, तो यहां पे पुट करोगे 2 into 30, दैट इज 60 degrees, मे बी देयर इज ए मैक्सिमम रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इतना मैक्सिमम हो सकता है, कंडीशन आप ध्यान से देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा था लेकिन आप सोच रहे होंगे उड़ा देंगे, जल्दी से देख लो कंसेप्ट, देख लो आप कितना मस्त है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, ये भी प्रिज्म से ही रिलेटेड है, वन ऑफ द रिफ्रेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म ऑफ 30 degrees सिल्वर्ड। ओके, एक प्रिज्म है आपके पास, एक सरफेस उसका सिल्वर्ड कर दिया और उसका एंगल रिफ्रेक्टिंग एंगल दे रखा है 30 degrees, ठीक है, रे इंसिडेंट एट 60 degrees, एक रे इस पे इंसिडेंट कर रही है 60 degrees पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया आपको 60 degrees, और द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, जब ये बाहर एयर से जाएगा म्यू के अंदर, तो स्नेल्स लॉ यहाँ यूज करो, कैसे यूज करोगे, बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन कितने एंगल पे टकरा रहा है 60 degrees, कहाँ जा रहा है प्रिज्म के अंदर, कितने एंगल पे अंदर एंटर करेगा R1 मान लो उसको, ठीक है, साइन ऑफ R1, ठीक है, ये एयर है और ये √3/2 हो गया, म्यू हमें निकालना है और साइन ऑफ R1 हमें नहीं पता है, तो याद रखना जब भी एक सरफेस सिल्वर्ड होता है ना, ठीक है ना, जब भी एक सरफेस आपका सिल्वर्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसको अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, सिल्वर्ड है और द लाइट रे एट एन एंगल 60 degrees रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब इस पर टकराएगी और वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अगर रिट्रेस करेगी यहां पे जो इंसिडेंट एंगल होता था R2 वो जीरो हो जाएगा, तो हमें पता है R1 + R2 होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल और ये हो जाएगा जीरो, तो R1 यहाँ पे A के इक्वल ही रहेगा, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई थी याद रखना, तो √3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो 30 degrees और यहां से सॉल्व करो आंसर बनाओ, ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया, जब भी कभी बोले एक सरफेस सिल्वर्ड है और उस सिल्वर्ड सरफेस पे लाइट टकरा के अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो पक्का वो 90 degrees पे इंसिडेंट करेगी, मतलब जैसे मैंने यहां दिखाया ना तो वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करेगी और यहां पे आएगी, तो जब वो 90 degrees पे इंसिडेंट करेगी तो ऑब्वियसली यार R2 जीरो हो जाएगा और R1 हमेशा A के इक्वल ही होगा, सॉल्व करना अपने आप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है सर, इसमें क्या बोला है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसमें दिया है मिनिमम डेविएशन एंगल A के इक्वल है, ठीक है सर, जैसे बोला है लिख लो, इक्विलेटरल प्रिज्म है यानी वो तो 60 degrees हो गया, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है आपके पास तो ये एंगल सब 60 degrees हो जाएंगे, ठीक है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द मिनिमम डेविएशन विल ऑब्टेंड, तो इंसिडेंस एंगल बताओ जिसमें मिनिमम डेविएशन होगा, तो ध्यान रखना हमेशा डेविएशन एंगल जो होता है ना, डेविएशन एंगल यू कैन राइट दिस, ठीक है, डेविएशन एंगल को आप लिख सकते हो 2i-a, ठीक है, ये आप ध्यान रखना 2i-a, तो i आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस a बाय 2, तो डेल मिनिमम कितना है सर, दोनों मिनिमम a दोनों के दोनों 60 है तो 120/2, तो 60 degrees ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना, जब भी मिनिमम डेविएशन की बात करे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछे या मिनिमम डेविएशन एंगल पूछे, दिस रिलेशन यू कैन यूज डायरेक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है जी, कर सकते हो, यस कर लें, क्यों आया सर ये, क्योंकि डेल होता था I1 + I2 - a, ये इमरजेंस एंगल, ये इंसिडेंट एंगल, और मिनिमम डेविएशन अगर बनाना है तो I1 = I2 हो जाता है, तो यही रिलेशन बन जाता है, नो प्रॉब्लम, आप ध्यान से चेक करें बस, ठीक है, आप ध्यान से चेक करें। नेक्स्ट क्या पूछा है सर, 144, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ, 2 identical ग्लास है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स है,
मतलब सर ये है और ये है, इक्वी कॉर्नर्स का मतलब दोनों का यू नो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होने वाला है, इनके बीच में ये जो गैप है इसको फिल किया गया है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन टू लेंसेज इज फिल्ड विद द वाटर, यहाँ पे वाटर भर दिया गया है, तो यार ये तो लेंस कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें तीन लेंस है, पहले वाला जो दिख रहा है और इनसे वाटर भरने से जो अंदर बना है कॉनकेव टाइप का ये, फिर ये, इसकी फोकल लेंथ निकाल लेना, इसकी निकाल लेना और इसकी निकाल लेना, नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, लेंस मेकर का यूज करके इंडिविजुअल निकाल लेना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे आप, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 145, और अगर ध्यान से इसको पढ़े ना, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सिस्टम ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ, एक है 20 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर, समझ गए। बट इसमें दोनों के दोनों जो लेंस है, मतलब रिपीट इसका कॉन्सेप्ट हुआ है, पहला लेंस भी कॉन्वेक्स है, दूसरा भी कॉन्वेक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सबसे पहले मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज सो दैट द रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम बोथ द लेंसेज पास अनडेविएटेड, आप खुद ट्राई करना, मेरे को बताना कितना आ रहा है ना। जो सबसे पहले क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, ध्यान से समझे, ट्राई करना, बढ़िया मजा आ गया। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप कर सकते हैं, मेरे को बताइए जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाते हैं भाई, 146 में क्या बोला, बहुत आसान है, बढ़िया से कर सकते हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, क्या सर, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एटी है आपके पास, ठीक है सर, ओके, हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन है ना ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फिनिटी वाली इमेज पोजिशन की बात कर रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन दे रखा है वो 5 दे रखा है मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है जी, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 36 सेंटीमीटर, है ना, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, चूंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, पहले वाला बड़ा होता है, दूसरे वाला छोटा होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको एल लेते हैं, ट्यूब लेंथ, वो दे रखी है 36 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट, इसकी फोकल लेंथ एफ ई, इतना तो सबको याद ही होगा, ठीक है, ओके। एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, वही मैं बात कर रहा था, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एफ ई, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी निकालना है, तो नो प्रॉब्लम। जब भी इमेज बने इन्फिनिटी पे, वेन Image is formed, ठीक है ना, at infinity, समझ गए। तो भाई इसका जो ये मैग्निफिकेशन होता है ये हमेशा होता है एफ नॉट ओवर एफ ई, और लेंथ जो होती है इन दोनों के बीच में वो होती है एफ नॉट प्लस एफ ई, बस ये याद रखो, हो जाएगा। तो ये दे रखा है आपको कितना, 5, लेंथ कितने दे रखी है 36, दोनों को सॉल्व करो, देखो यहाँ से एफ नॉट कितना आ रहा है, 5 एफ ई आ रहा है, और इसको यहाँ पटक दो, 36 इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू 5 एफ ई प्लस एफ ई, ये हो गया 6 कैंसिल, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा है तो उसकी फोकल लेंथ छोटी आएगी ना, और एफ नॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 30 ही आएगा, क्योंकि टोटल 36 है ना, ठीक है। तो ये एफ नॉट आ गया 30 और एफ ई आ गया 6 सेंटीमीटर, इजी है, बस आप कंडीशन अप्लाई करें, सॉल्व करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 147, ओके मैन, 147 में बोला है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन 30, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 30 है, और आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला लेंस छोटा होता है, दूसरा लेंस बड़ा होता है, ये आपको पता होगा, ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस, ठीक है, याद होगा ना, यस। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे दी है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एज्यूमिंग दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब इस कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज बनेगी वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी, जिसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, तो बताओ इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, एम नॉट, इसका मैग्निफिकेशन होता है एम ई, इसका मैग्निफिकेशन एम नॉट, और इसका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज करो इसकी जो इमेज बनेगी वो बचेगी वी नॉट पे, इसकी जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की होगी यू नॉट पे, है ना, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं, यस समझ सकते हैं। देन फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, भाई एक फॉर्मूला बता रहा हूं उसको डायरेक्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, जब भी लीस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं ना, कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, इफ आई इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ध्यान से समझना, अगर डी पे बने, डी पे, तो मैग्निफिकेशन ओवरऑल होता है वी नॉट ओवर यू नॉट 1 + d/f e, ये होता है फॉर्मूला, बस याद रखें, ठीक है। और ये v नॉट ओवर m, u नॉट क्या है, ये अभी बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है, तो मजा आ गया सर, ये हमें दे रखा है कितना सर, ये हमें कितना दे रखा है भाई 30, और इस यहाँ पे पुट कर दो m नॉट, 1 + d दे रखा है 25, और f e 5, ये हो गया कैंसिल, 5 + 1 6 आएगा,
तो ये आ गया एम नॉट इंटू सिक्स, यानी एम नॉट दोस्तों आ गया फाइव, एम नॉट आ गया, यानी ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन होगा वो फाइव होगा। इजी है कि नहीं? फॉर्मूला बेस्ड है, देखो यार आपको फॉर्मूला याद रखने है, सारे फॉर्मूले याद रखे जाने पड़ेंगे। ओके यार, सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन दैट इज 148। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। 148 के एक्चुअली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज आई, मतलब वो बोल रहा है जहां पे उसका जो पाथ डिफरेंस है ना वो लैम्डा है, वहां पे जो इंटेंसिटी दे रखी है आपको वो आई दे रखी है। इस पाथ डिफरेंस पे स्क्रीन पे अगर उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी आई है, ठीक है सर, है ना। लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, वो 3, मतलब वहां पे इंटेंसिटी बताओ जहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाय 4 होगा। मतलब ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ पाथ डिफरेंस आपस में रिलेट करते हो? यस है। कैसे करेंगे सर? देखो भाई, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, इंटेंसिटी की बात करें या फेज डिफरेंस उसमें यूज हो या पाथ डिफरेंस यूज होगा, तो जो इंटेंसिटी होती है ना टोटल रिजल्टेंट, वो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर फाइ बाय 2। ये होता है रिलेशन, ये तो है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। फाइ है फेज एंगल, और फेज एंगल क्या होता है यहाँ से 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। तो पहली इंटेंसिटी जब आई है तो पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है, तो आप देख सकते हो फाई आ जाएगा यहां से 2π बाय लैम्डा इनटू लैम्डा कैंसिल, फाई की वैल्यू आ गई 2π, यहां पटक दो तो इंटेंसिटी आएगी आई मैक्स इनटू कॉस स्क्वायर 2π बाय 2, और ये कैंसिल, कॉस पाई माइनस 1 होता है, स्क्वायर करोगे यानी आई जो आ रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी के इक्वल आ रही है, यानी यहां से मैक्सिमम इंटेंसिटी आई के इक्वल आ रही है जो इनिशियल इस लैम्डा पे है, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर? फिर से यूज कर लो इसके लिए, इसके लिए यूज करो, तो आई डैश इक्वल टू होगा आई मैक्स अगेन कॉस ऑफ स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है। फाइव फिर से निकाल लेंगे 2π बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स इस बार दे रखा है लैम्डा बाय 4, ये हो गया कैंसिल, इसे कैंसिल तो 5 आ गया, पाई बाय 2 आप चेक कर सकते हैं। और आई मैक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितने किसके इक्वल है आई के, तो आई के टर्म्स में आंसर भी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर 5 की जगह लिखोगे पाई बाय 2 और 2 पहले से है तो पाई बाय 4, तो समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। क्या आएगा सर यहाँ से? आई डैश आ जाएगा आई इंटू कॉस पाई बाय 4 होता है 45, 1/√2, और इसका स्क्वायर कर दो तो आ गया आई बाय 2। This is your intensity when the path difference is lambda by 4. Clear है? This is how you can solve the problem. ठीक है guys? ठीक है? उड़ा देंगे boss. है ना, उड़ा देंगे, आराम से देख लेना, मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो, बस ये देख लेना, चेक कर लिया करो यार, आई एम आफ्टर ऑल ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू नो ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक है। आप इसलिए कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान से फोकस करें, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर पासस थ्रू 3 पोलराइजर्स। सबसे पहली बात तो ये इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की है, वो दे रखी है 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आपको इंटेंसिटी दे रखी है, अच्छी बात है सर। 3 पोलराइजर का यूज किया जा रहा है, सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पोलराइजर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद द फर्स्ट पोलराइजर, क्रॉस कंडीशन में है, ठीक है। देन व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल इमर्जिंग लाइट, ध्यान से समझो, पहला पोलराइजर ये है P1, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा पोलराइजर है वो उससे कितने एंगल पे है, ये इसकी एक्सिस ऐसे है तो उससे वो 30 डिग्री के एंगल पे है, ये सेकंड पोलराइजर है, ये है सेकंड पोलराइजर, ठीक है। और जो लास्ट का पोलराइजर है वो फर्स्ट वाली के साथ इसकी एक्सिस के साथ क्रॉस्ड कंडीशन का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी लास्ट का पोलराइजर ऐसे होगा P3 और वो इसके साथ 90 बना रहा होगा, इसके साथ मतलब इसके साथ 90 है ये, तो इसके साथ कितना होगा P2 की एक्सिस P3 के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी दोस्तों इसको अल्फा मान लो, दैट इज 90 - 30, दैट इज 60 डिग्री। तो इससे जो इंटेंसिटी निकलेगी थर्ड से वो निकालनी है, बहुत आसान है, आप बस पहले एंगल के सिचुएशन समझा करो। जब भी वो बोले लास्ट का पोलराइजर फर्स्ट वाले के साथ क्रॉस्ड कंडीशन में है, ठीक है, क्रॉस कंडीशन का मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ओरिजिनल ये P1 की एक्सिस और ये P3 की एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो P1 P2 में जो एंगल है उसको 90 में से सबट्रैक्ट कर दो, P2 और P3 का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो है 32, जब वो यहां पे जाएगी ना, आपको पता है इसको आप I0 मान लो अनपोलराइज, जब इससे बाहर निकलेगी और इस पे इंसिडेंट करेगी P2 पे,
पहले से बाहर निकलने के बाद हमेशा हाफ हो जाती है, आप सबको पता होगा हाफ हो जाती है कि नहीं। यस बिल्कुल ठीक है, जब पहले पोलराइजेशन से बाहर निकलती है तो हाफ हो जाती है। अब इसमें इंसिडेंट करेगी P2 से बाहर निकलेगी, तो P2 से जब बाहर निकलेगी मैं लिखूंगा I2, ये चूंकि वो किसी एंगल पे है तो मैलस लॉ यूज करना है, यानी कॉस स्क्वायर 30, क्योंकि इसके इसके बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया आपकी इंटेंसिटी। पहले से निकल के जो भी दे रखी है अनपोलराइज उसका हाफ लेना है, और वो जब P2 से बाहर निकलेगी जो किसी एंगल पे है ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, 32/2 cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दो तो ये आएगा 16 × 3/4 और ये आ जाएगा 4 यानी 12। यानी I2 जो आई जो इससे बाहर निकली यहाँ पे I2, जब वो इससे बाहर निकलेगी तो क्या होगा थर्ड से, चूंकि P3 और P2 के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो फिर से लॉ ऑफ मैलस यूज करेंगे और I2 जो आ रही है वो 12 है, तो 12 cos² 60 लेंगे। समझ गए होंगे आप कंसेप्ट, तो I3 आपके पास आ जाएगा 12 cos 61/2 का स्क्वायर यानी 4 3 3 आएगा 3 W/m². लॉजिक समझ गए आप कैसे मैंने बताया, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ठीक है, और आज का जो 150th क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, 150th है ना, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस और आपके पास आ जाएंगे, फिर लास्ट 50 बचेंगे, आज ही कोशिश करूंगा रात तक कल सुबह तक आपको मिल जाए। ठीक है, उससे ज्यादा फिर आपने कुछ करने हैं, मैं थोड़ा सा लेट हूँ नो डाउट दोस्तों, ठीक है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें बोला है टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड 4i, पहली बीम की इंटेंसिटी है आई, दूसरी बीम की इंटेंसिटी है 4i, ऐसे आप समझो। ठीक है, दे इंटरफेयर टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2π एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट पे वो इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, इंटेंसिटी आई वन आई टू ए पॉइंट पे, फिर किसी बी पॉइंट पे इंटरफेयर करती हैं, ठीक है ना, वहां पे फेज, यहाँ पे फेज डिफरेंस दे रखा है उसका 2π और यहाँ पे फेज डिफरेंस दे रखा है उसका दिस इज पाई पॉइंट बी पर, तो बता पता क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इनकी, यहाँ पे सपोज करो ए पॉइंट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई ए होगी और यहाँ पे आई बी होगी, तो आई ए माइनस आई बी बताओ, यानी इनका डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो पता क्या करोगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो, ए पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप लिख सकते हो आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉज फाइव वन, ठीक है यहां से आ जाएगा सब कुछ, तो बताया यार, फिर यही फॉर्मूला आई बी के लिए यूज कर लेना, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू इंटू कॉज फाइव टू, बस फेज डिफरेंस अलग है, यहां से आई बी आएगा यहां से आई ए आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा वट एवर जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, जब फाइव वन की वैल्यू 2π पुट करोगे और इसकी वैल्यू पाई पुट करोगे, कर लोगे ना यार, आई वन आई टू सब कुछ तो दे रखा है, देखो ये भी दे रखा है सब दे रखा है, डिफरेंस ले लेना इनका, है ना, आपसे पूछा ही गया था डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड बी, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो ये थे आपके बेस्ट नेक्स्ट यू नो 50 प्रॉब्लम्स दोस्तों, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस अब आने वाले आपके पास, ठीक है, वो जितने भी आने वाले लास्ट 50 क्वेश्चंस, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के होने वाले, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीजें आने वाली हैं और आप बेहतरीन तरीके से उनको सॉल्व कर लेंगे, मैं कराऊंगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि आपको पता है एक ही दिन बचा आपके पास, अब उसका थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देख लेंगे तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, थोड़ा सा निकालना, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। ओके, और कॉन्फिडेंस बना के रखना, बेहतरीन तरीके से फोड़ के आओगे, कुछ मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की यू नो जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको लास्ट टर्म पे किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे से बेस्ट वो आपको बता सकते हैं, ठीक है ना, तो उनकी वीडियोज आप जरूर देखना, छोटी सी होंगी, हार्डली 1 to 2 मिनट की होंगी, ओके, फॉर योर मोटिवेशन एंड फॉर द यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट टर्म पे आपको याद रखने चाहिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।